नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। बजट के बाद बजट पर चर्चा बहुत जरूरी होती है, लेकिन आज संसद में बजट पर कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हुई बल्कि तीखा हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन के अंदर और सदन के बाहर आरोप लगाए कि सरकार ने भेदभाव किया है। इस पर वित्त मंत्री ने आंकड़ों के साथ जवाब भी दिया। पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष एक गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और यहां तक कहा कि किसी को जलेबी मिली, किसी की थाली खाली रह गई। रिपोर्ट देखिए। बजट पेश होने के साथ ही विपक्ष की ओर से ये आरोप लगने लगा था कि सरकार ने भेदभाव किया है, लेकिन बुधवार को जब संसद बैठी तो सदन के अंदर यही आरोप लगाया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट में ज्यादातर राज्यों की अनदेखी की गई है। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और ये अपना जिलेबी। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कई राज्यों का नाम लिया और आरोप लगाया कि बजट में सिर्फ दो राज्यों को खुश करने की कोशिश की गई है। ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष राज्यों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, आगे बढ़ने से पहले जरा आंकड़े देख लीजिए। बजट में उत्तर प्रदेश को 2.23 लाख करोड़ रुपए, बिहार को 1.25 लाख करोड़, मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़, पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, महाराष्ट्र को 78,000 करोड़, राजस्थान को 75,000 करोड़, तमिलनाडु को 50,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को भी 50,000 करोड़ और कर्नाटक के खाते में 45,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन खड़गे जब बोल रहे थे तभी ये लगने लगा था कि विपक्ष सदन से वॉकआउट की तैयारी कर चुका है। एक तरफ तो उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, दूसरी तरफ कर्नाटक के लिए विशेष उम्मीद भी जाहिर कर दी। मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में सो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। बोलते बोलते खड़गे कुछ ऐसा बोल गए कि सभापति जगदीप धनखड़ के साथ उनका वही पारंपरिक और दिलचस्प संवाद शुरू हो गया जो बेहद मशहूर है। जरा फिर से सुनिए खड़गे ने ऐसा क्या बोल दिया। माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। खड़गे की इस बात पर उनके पीछे बैठे दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और अजय माकन तो मुस्कुरा ही रहे थे। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनके बगल में बैठे विदेश मंत्री जयशंकर भी मुस्कुराते हुए दिखे। इस बीच वॉकआउट से पहले खड़गे ने ये कहकर बात खत्म की कि बीजेपी जिन राज्यों में सफल नहीं हुई उन राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। जिस जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जिस जगह आपको निगलेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला।
जवाब देने के लिए वित्त मंत्री उठी, लेकिन वित्त मंत्री जब बोल रही थी, शोरगुल के साथ विपक्ष के नेता सदन से निकलना शुरू हो चुके थे। तो आंकड़ों के जरिए हमने आपको दिखाया कि किसी की थाली खाली नहीं थी, सबको जलेबी पकौड़ा एक साथ मिला है, लेकिन विपक्ष इसको देखना नहीं चाह रहा। सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर ये प्रचार किया जा रहा है कि सिर्फ दो राज्यों का बजट है। सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि अगर बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, अगर सेहत पर किसानों के लिए या मिडिल क्लास के लिए कोई स्कीम लाई जाती है, तो ये सिर्फ एक दो राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हित में होती है। इसलिए यह आरोप लगाना किसी राज्य को ज्यादा मिला और किसी को कम बिल्कुल गलत है, और सरकार का यह दावा भी है। शुद्ध रूप से इस पर राजनीति ही हो रही है। माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भेदभाव के आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया। कैबिनेट हैज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी पास्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट हैज टेकन द डिसीजन टू सेट अप अ वेरी बिग पोर्ट इन वदावन इन महाराष्ट्र। डिड महाराष्ट्र गेट इग्नोर्ड बिकॉज आई डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ महाराष्ट्र? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? बजट में महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़, ग्रामीण सड़क सुधार के लिए 400 करोड़, आर्थिक गलियारा के लिए 466 करोड़, पर्यावरण के अनुकूल कृषि परियोजना के लिए 598 करोड़, ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए 150 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़, नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़ और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए 499 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सरकार की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाए गए कि वो जानबूझकर गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट एंड आई एम सेइंग दिस विद रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, विपक्ष जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहा है ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि सरकार ने बजट में कुछ नहीं दिया, सिर्फ दो राज्यों को ही दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देती हूं, क्या उन्होंने जितने भी बजट पेश किए, क्या हर भाषण में देश के हर राज्य का नाम लिया गया? That in each of the budget speeches, have they named every state of this country? आज एक क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपी ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरह कैसे डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। इसके पहले संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि बजट में भेदभाव हुआ है। बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त, ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं थमाने? आप बताइए, बिहार का अपना खुद का बजट 2,50,000 करोड़ का होता है, उसमें ये और योजनाएं, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। केंद्र सरकार ये जो आप जो इन्होंने योजनाएं जो इन्होंने घोषित की है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब किसी भी वर्ग के लिए, इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की गई है, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग इसको कर दी गई है। हर प्रदेश में नाराजगी है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर पूर्वांचल की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, तो हर प्रदेश की
ये जो आकांक्षाएं थे, महत्वाकांक्षाएं थे इस बजट को लेके, सब नाराज है, सब निराश है, क्योंकि साफ साफ झलकता है कि ये एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई एक बजट है, सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता को सत्ता पर कायम रखने के लिए। इसीलिए जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में प्रोटेस्ट। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, और इस सवाल का जवाब और राय आप QR कोड को स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होगी बजट 2024 की घोषणाएं? तो बस स्कैन करिए QR कोड और भेजिए अपना जवाब। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पर रहा है, इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने तक का वेतन सरकार अपनी तरफ से दिए जाने की व्यवस्था करेगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होगी ये बजट की घोषणा? के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बजट पर बहस के दौरान किस तरह से विपक्ष खुद ही यहां पर उसका झूठ का पर्दाफाश हो गया वो कहानी आपको दिखाएंगे। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट में बिहार को बहुत मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया। विशेष दर्जा के मामले पर बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की तो नीतीश ने अपने विरोधियों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। रिपोर्ट देखिए। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी है आप, बोलिए सही। नीतीश कुमार कांग्रेस से कह रहे हैं कि सही बोलिए। कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे। दरअसल बिहार विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे तब कांग्रेस और RJD के विधायक हंगामा कर रहे थे। नीतीश कुमार पर आरोप लगाए गए कि वो राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिला पा रहे। इसी पर नीतीश कुमार भड़क गए और कहने लगे कि जब केंद्र में UPA की सरकार थी तब बिहार को स्पेशल दर्जा क्यों नहीं दिया? कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं, और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया, लेकिन बिहार के नेता कह रहे हैं कि सरकार ने तो बिहार को सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया। किस तरह का कायाकल्प होने वाला है हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और JDU का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो मुख्य जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया। तो इंडिया गठबंधन के अधिकांश दल कह रहे हैं कि बजट के चलते बिहार में बहार है, लेकिन खुद RJD का कहना है कि बिहार को सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया। इसी बीच 3 दिनों बाद दिल्ली में नीति आयोग की बैठक भी होने जा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों ने इस मीटिंग में नहीं शामिल होने का फैसला किया है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। 27 जुलाई को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने इस बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन संभावना है कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी।
हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश से आई एक तस्वीर। वहां कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अखिलेश शर्मा के साथ बजट पर सियासी संग्राम।